बुधवार सुबह इंदौर के राजवाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक कांग्रेसियों द्वारा राजनीतिक रैलियों को छूट और धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया गया। मामले में रावजी बाजार थाने में विधायक सहित 200 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया। वहीं कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं पर शासकीय कार्य में बाधा में चिंटू चौक से रमेश खान, दौलत पटेल, अनवर कादरी, अनवर दस्तक, निखिल वर्मा सहित अन्य 200 पर धारा 353 का मामला दर्ज किया है। वहीं विधायक पर धारा 188 के तहत संजय शुक्ला, जीतू पटवारी सहित नगर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल, सदाशिव यादव, देवेंद्र यादव, सुजीत चड्ढा व पंकज सांघवी पर मामला दर्ज हुआ है। प्रदेश में कोविड-19 के चलते किसी भी धार्मिक आयोजन व रैली प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। विरोध में प्रदर्शन करने गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर वाटर कैनन से पानी मारा गया था, जिससे विधायक संजय शुक्ला समेत 10 कार्यकर्ताओं को चोट आई। इसके बाद प्रशासन ने नेताओं को ज्ञापन देने बुलाया था। कांग्रेस की मौन रैली को प्रशासन से अनुमति नहीं मिली थी। मामले में एडीएम ने संबंधितों पर कार्रवाई की बात की है।